नमस्कार, एक और क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन से। इसे आप किस इंटीग्रल से रिलेट कर पा रहे हैं? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से रिलेट कर पा रहे होंगे, जो कि होता है टैन इनवर्स एक्स बाय ए, वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए के इक्वल। ठीक है, अब यहां पे हम एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर नहीं चाहिए, तो उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं हम लोग। कैसे? पहले तो ए स्क्वायर यहां कॉमन लिया, फिर इस ए स्क्वायर को हम लोग बाहर लिख सकते हैं। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म का हो गया, तो क्या हो जाएगा? वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए, ए है बी बाय, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वन अपॉन ए स्क्वायर, एक बी है और ये ए ऊपर चले गया, टैन इनवर्स ए एक्स बाई, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा वन बाई ए बी टैन इनवर्स ए एक्स बाई बी प्लस अ कॉन्स्टेंट। आसान प्रॉब्लम था, अगर आपको ये फॉर्मूला ठीक से याद है, अगर आप इसको मेरे तरफ मिस नहीं कर रहे हैं, तो आप आराम से कुछ प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फॉर्मूला अपने आप माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे इंटीग्रेशन 2023 नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।